अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2007 पार्ट 3। से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं, अभी पार्ट 3 करेंगे। पेज 38, 3.2.2 क्रिएटिंग एंड सेविंग अ डेटाबेस, मतलब कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। तो डेटाबेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन यूज करके हम लोग क्रिएट करेंगे, यानी कि सब कुछ हम लोग को स्क्रैच से यूज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से हम लोग ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप। सबसे पहले यू कैन, आप लोग अपने बुक में रिफर कर लीजिएगा फिगर 3.4। तो स्टेप 1 है सेलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन फ्रॉम द न्यू ब्लैंक डेटाबेस सेक्शन इन द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये डायग्राम में देखिएगा फिगर 3.4 में, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस एक्सेस ऑफिस। यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैंक डेटाबेस। उसके बाद एंटर करना पड़ेगा डिजायर्ड नेम। यहाँ पे देखिए फाइल नेम के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना पड़ेगा, यानी कि फाइल का नाम एंटर करना है और फिर क्रिएट क्लिक करना है क्रिएट। दिस विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस 2007 डेटाबेस सेव करता है, इसका एक्सटेंशन होगा ACCDB। तो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ACCDB। नेक्स्ट टॉपिक इज कैसे हम ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, मतलब एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे ओपन करेंगे। अगर करंटली हम लोग कोई डेटाबेस पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कोई अनदर डेटाबेस ओपन करना, तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए रेफर कीजिएगा फिगर 3.5 दैट इज गिवन इन योर कंप्यूटर बुक्स। स्टेप 1 क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक ओपन। सबसे पहले ऑफिस बटन में क्लिक कीजिएगा, फिर ओपन में क्लिक कीजिएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 है सेलेक्ट द लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं लोकल डिस्क सी। उसके बाद हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटाबेस आ जाएगा। सपोज एम्प्लॉय सेलेक्ट किए, तो ये फाइल नेम मेरा एम्प्लॉय है, देन यू हैव टू क्लिक ओपन। तो आप जो डेटाबेस को खोलना चाहते हैं वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद टेबल्स, कैसे टेबल्स पे काम कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में टेबल को क्रिएट करते हैं यूजिंग टू मेथड्स, नंबर 1 इज डिजाइन व्यू एंड नंबर 2 इज डेटा शीट व्यू। तो हम लोग लर्न करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग बोथ द मेथड, दैट इज डिजाइन व्यू एज वेल एज डेटा शीट व्यू। तो सबसे पहले डिजाइन व्यू, क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू, मतलब कैसे टेबल क्रिएट करेंगे डिजाइन व्यू की मदद से। यूजिंग डिजाइन व्यू यू कैन क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। ये करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ओपन द डिजाइन व्यू बिलो विंडो। सबसे पहला स्टेप है, इसके लिए रेफर कीजिएगा फिगर 3.C। ऑल ऑफ यू प्लीज हैव टू सी फिगर 3.C ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्लिक कीजिएगा क्रिएट टैब, देन क्लिक द टेबल डिजाइन। वहां पे देखिएगा ये इस तरह का आइकॉन आएगा, तो आप टेबल डिजाइन में क्लिक कीजिएगा जो आपका टेबल ग्रुप में प्रेजेंट है। तो डिजाइन व्यू ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड टेबल अपीयर्स। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसका आपको व्यू मिल जाएगा इन फिगर 3.6। आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।